हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा आपके दिलों में, जोश जगाता रहूंगा। हेलो हेलो सर, मैंने भी उसे बात करा, अपनी ईएमआई भरा नहीं है। कब हाँ मैडम, मैंने ईएमआई भरा नहीं। मैडम भरोगे सर ईएमआई? कैसे भर दी ईएमआई? कैसे सर भर दी ईएमआई? मैं वही पूछ रही हूँ, आपने ईएमआई भरा नहीं है, कब भरोगे? मैडम मैं पूछ रहा हूँ ईएमआई कैसे भरते हैं? तो मैं बता दूँ, आप पेमेंट करोगे अभी? हाँ मैडम बताओगी तभी तो। हाँ हाँ तो मनी व्यू ऐप में जाइए। सुनिए मैडम, ना सर, आपका व्हाट्सएप नंबर है? तो हाँ मैडम, रुकिए, 2 मिनट चालू रखे, मैं आपको लिंक भेजती हूँ, उससे पेमेंट कीजिए, क्योंकि आपको है ना ऐप में है मैडम ना मैडम कैसे डबल पे। पेमेंट पेमेंट करते, कैसे किससे करते ये तो बताओ। सर आप भी आप कर रहे हो ना, तो मैं आपको लिंक भेज रही हूँ ना सर। हेलो हाँ मैडम, सर, सुनिए ना, मैं क्या कह रही हूँ, आप ऐप से भी कर सकते हैं, मैडम पर मैं ऐप यही में तो पूछ रहा हूँ, पैसा ऐप से कैसे करते हैं, मैं यही तो पूछना चाह रहा हूँ आपसे, आप बता ही नहीं रही हो बात। ठीक है सर, मैं बताती हूँ। ऐसे करो, एक मनी व्यू ऐप चालू कीजिए, ठीक है मैडम, ऐप चालू कर लिया। और मनी व्यू ऐप का चालू कीजिए, और एप्लीकेशन होगा, ठीक है मैडम, एप्लीकेशन में जाइए, एप्लीकेशन में चला गया। और वहां पे आपको पे करके ऑप्शन आएगा होगा सर। ओके मैडम, आ रहा है आया क्या? आ रहा है आ रहा है। तो कितना अमाउंट दिख रहा है वहां पे? मैडम यहाँ पे मैडम अमाउंट दिख रहा है, शायद 4,000 रुपये लिखा है मैडम। हाँ तो मैं वही बोल रही हूँ ना सर, आपको इस गए महीने का ईएमआई भरना है सर, इस महीने का बाद में भरना है सर, तो आप दोनों महीने का ईएमआई भर रहे हो अभी? तो मैडम पेमेंट कैसे करूँगा अब यहाँ से? सर पे करके ऑप्शन है, उस पर क्लिक करिए, करिए और पेमेंट करिए सर। ठीक है मैडम, कर दिया मैडम, घूम रहा है मैडम। फोन पे का ऑप्शन आ रहा है इसमें? ठीक नहीं नहीं सर, आपको फोल क्लोज नहीं करना है, आपको इस महीने का और गए महीने का और इस महीने का ईएमआई भरना है सर मैडम, आपको। हाँ फोन पे का ऑप्शन आ रहा है, फोन पे का। ठीक है ठीक है, तो फोन पे या गूगल पे से आप पेमेंट कीजिए तो सर। मैडम मैं तो चलाता ही नहीं ऑनलाइन, मैं तो कैश हैंड से करता हूँ जो करता हूँ। तो आपके पास अभी मतलब अकाउंट में पैसा है कि नहीं? मैडम मैं चलाता ही नहीं फोन पे गूगल पे पेटीएम वगैरह, मैडम चलाता ही नहीं मैं। सर तो आप पेमेंट कैसे करोगे? तो एक काम कीजिए, मैं आपको एक सर का नंबर बताती हूँ, उस पे गूगल पे या पेटीएम कीजिए। मैडम जब मैं चलाता ही नहीं तो कैसे कर दूंगा, तो सर आप पेमेंट कैसे करोगे ये बताइए वही मुझे। तो मैं पूछ रहा हूँ मैडम कैसे करूँ। आपके अकाउंट में तो पैसा है ना, नेट बैंकिंग में जाके पेमेंट कीजिए सर, मैडम मैं यूज ही नहीं नहीं तो करता, मैं मैडम यूज ही नहीं करता डिजिटल मनी, मैडम फिजिकल मनी यूज करता हूँ। आप एक काम करो, आप घर पे किसी को भेज दो, मैं हाथ में दे दूंगा कैश। नहीं ना सर, घर पे नहीं भेज सकते, आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है सर। पर मैडम मैं यूज ही नहीं करता ना, दिक्कत तो यही है ना सारी। यूज ऐसे थोड़ी है सर, अभी सब मतलब दुनिया आगे बढ़ गई है सर, आप वहीं पे रह गए कि क्या? आप हाँ मैडम वहीं पे हो क्या मैं सर? थोड़ा मैडम पीछे हूँ। हाँ तो मैं वही बोल रही हूँ ना सर, आप पीछे मत रहिए, आगे जाइए सर। मैडम नहीं मैडम, मैं पीछे ही ठीक हूँ। बाकी मैडम आप ना मेरे पास मनी रखिए मैडम, 1 लाख रुपए है यहाँ पर घर पे, आप ना किसी को हाँ एग्जीक्यूटिव को भेज दो, वो आके ले जाएगा। नहीं ना सर, हम एग्जीक्यूटिव को नहीं भेज सकते, आपके पास अकाउंट में तो पैसा है, मैडम आपको क्या ऑनलाइन करूँ पेमेंट करना है बस। मैडम, ऑनलाइन में चलाता ही नहीं। तो सर मुझे एक बात बताइए, इतने दिनों से आप पेमेंट कर रहे हो, तो कैसे कर रहे हो पेमेंट? मैडम ये ना मेरे जो है ना भाई ने लोन लिया था, तो वो ही करता है जो करता है। क्या मैडम ये मेरे भाई ने लिया था लोन, तो वो ही करता है जो करता तो शब्बीर है। अलाम ये आपके भाई का नाम है? हाँ मैडम, आपका नाम नहीं है तो वो किधर है? मैडम सबवीर आलम तो मेरा नाम है, मेरे आईडी मतलब मेरे सारे डॉक्यूमेंट उसने लगाए थे, फिर लोन लिया था।
तो मैं वही पूछ रही हूँ सर, तो वो किधर है जो पेमेंट करेंगे, वो किधर है? मैडम वो तो फरार हो गया ना, अभी उस पर पुलिस केस हो गया था, तो वो चला गया, उसने चोरी चकारी कर ली थी अभी। सर तो आप पेमेंट कैसे करोगे? मैं आपको लिंक भेजूं, लिंक से पेमेंट करोगे? मैडम लिंक से पेमेंट करने के लिए फोन पे पेटीएम वगैरह तो होना चाहिए, वो तो वही चलाता है ना, मैं थोड़ी चलाता हूँ। सर आपके पास कुछ भी नहीं है तो कैसे पेमेंट करोगे मुझे? मैडम पेमेंट तो वो करता था, मैं तो कह रहा हूँ मेरे पास तो कैश है, आप घर पे किसी को भेज दो ले जाओ। अच्छा एक काम कीजिए, आपके जो भाई है ना उसके अकाउंट में पैसे भेजिए, उनको बोलिए मैं आपको लिंक भेजती हूँ, उससे वो पेमेंट कर देंगे। मैडम काम कीजिए, आपके भाई का नंबर दीजिए। मैडम उसका फोन स्विच ऑफ जा रहा है ना। सर आप टाइम पास कर रहे हो क्या? नहीं मैडम। तो आपको पेमेंट करना है तो सीधे सीधे बुक करिए ना सर। मैडम मुझे ऐसा कर रहे हो, मुझे ना इस पर आरटीपी डलवानी है, इस पर आरटीपी डाल के डिस्पोजिशन में लिख दो फंडेशन। सर एक काम कीजिए, आप अपने भाई का नंबर दीजिए, मैं उनसे बात करूँ। मैडम सुनाई नहीं दिया, इस पर आरटीपी डाल दो, डिस्पोजिशन में लिख दो कस्टमर इंटेंशनली नॉट पे। क्या? कस्टमर इंटेंशनली नॉट पे? नहीं ना हो सकता सर। तो मैडम क्या होगा फिर? हेलो हेलो हाँ अरुण सिंह से बात हो रही है मेरी? अरुण सिंह से बात हो रही है आपकी? हेलो हाँ हेलो सर, गुड आफ्टरनून, अनवी चौधरी बात कर रही हूँ कोटक सेंट्रल बैंक से। मैडम नाम क्या बताया आपने अपना? अनवी चौधरी। अनवी चौधरी हाँ जी। एक मिनट मैडम होल्ड करना जरा। हाँ मैडम होल्ड करो जरा, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ मैडम बताइए। अरुण सिंह जी मैडम पेमेंट मैडम कौन से बैंक की बताई थी आपने? कोटक महिंद्रा बैंक क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट से बात कर रही हूँ। मैडम अभी ना पेमेंट हो नहीं पाएगी। क्यों? मैडम अभी ना मेरे पास थोड़ा फंड इशू है। फंड इशू थोड़ा अभी कितने दिनों से चल रहा है फंड इशू? मैडम ये दो महीनों से। हाँ जी दो महीनों से मैडम। दो महीने हो गए है? हाँ। अच्छा तो पेमेंट? पेमेंट मैडम पैसे ही नहीं। हेलो हेलो। हाँ मैडम। हाँ बताइए सर। मैडम अभी ना मेरे पास फंड इशू है, मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं अभी जमा नहीं कर रहा। पैसे नहीं है, पैसे हो रहे हैं, ये वो, ये कहानी कब से चल रही है सर आपकी, मुझे बता दीजिए। मैडम ज्यादा नहीं, दो महीने से चल रही। दो महीने से तो नहीं चल रही सर, ऑलमोस्ट पैसा कब से पेंडिंग चल रही है बताइए। कौन कह रहा है आपको? और आप घर पे भी अवेलेबल नहीं हो अभी तक, आपके घर पे आ रहे हैं, आप पेमेंट के लिए बोल रहे हो, पेमेंट है नहीं, कहाँ हो आप, कहाँ मिल रहे हो? मैडम मिलने को तो आप एक काम करो, मैंने अभी प्लॉट लिया है चांद पर, एड्रेस लिख लो वहाँ मिल जाना। बताइए मैडम। लिखो हाउस नंबर 750 स्ट्रीट नंबर 2 एक मिनट 750 स्ट्रीट नंबर 2 हाँ नियर बाय शिवशक्ति पॉइंट। क्या? नियर बाय शिवशक्ति पॉइंट। कौन सा? शिव शक्ति पॉइंट। हाँ हाँ कहाँ पे है ये? चांद 10100 एक मिनट। क्या मैडम? चांद का एड्रेस है, चांद पे नया प्लॉट लिया है मैंने। सर अब मजाक हो रहा है क्या यहाँ पे? कोई चंद नया प्लॉट लिया? नया ले लो, मंगल ग्रह पे ऑफिस है मेरा। क्या चंद नया प्लॉट लिया है बाबू? ज्यादा ज्यादा मत भड़क, मतलब वहीं आके ना सारा उसको उठा दूंगा। आ तो जाइए, ज्यादा मत भड़क बाबू। आइए आइए जरूर आइए, ज्यादा मत भड़क बाबू। जेब में 2 रुपए ले आने की बात बात करो, चांद पे बाबू अपनी 2 रुपए तो इतने तुझे खरीद लूंगा 2 रात के लिए। मुझे खरीद लोगे? वो 2 रात के लिए। 2 रात के लिए अपनी बहनों को खरीदा सर? नहीं तुझे खरीदूंगा। चलो खरीद लो सर, प्लीज खरीद लो। एड्रेस दे सर अपना, एड्रेस दे। लिखो मेरा एड्रेस। एक काम कर, आधार कार्ड की फोटो भेज दो इस नंबर पे व्हाट्सएप।
इस नंबर पे आधार कार्ड की फोटो भेज दो, पीसी की फोटो भेज दो, मैं आ जाऊंगा। सर मिलोगे फिर आप उससे? एक बार बात सुनो, अगर एक बार ही आपने बोल दिया ना आप मिलोगे? हाँ मिलूंगा, भेज दे। अपनी बात पे रहना, जुबान पे रहना। बिल्कुल भेज रही हूँ सर, लाइन पे रहिए, मैं भेज रही हूँ। व्हाट्सएप नंबर है नहीं है? हाँ व्हाट्सएप पे भेज दे, फोटो में लेकर आ जाऊंगा तेरे पास। ठीक है ठीक है ठीक है, आप आइए, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपका जरूर आपका स्वागत करने के लिए बैठे, आप आइए। ठीक है ठीक है। हेलो विनीत साहू। हेलो विनीत साहू। हाँ विनीत साहू जी बात कर रहे हैं, बताइए जी। गुड आफ्टरनून, मैं शुभम बात कर रहा हूँ एक्सिस बैंक के लिए। आपसे कॉल आपकी क्रेडिट कार्ड रिगार्डिंग है, जिसका नंबर एंड होता है 0177। लास्ट बिल अमाउंट है 27,519 रुपीज, मिनिमम है 4,824, ओवर ड्यू है 480 रुपीज, पेमेंट डिले है आपका 30 डेज से। आज का आपका ड्यू डेट है 4,824 रुपीज। बात कर रहे हो? हाँ एक्सिस बैंक फ्लिपकार्ट कार्ड के बारे में बात कर रहा हूँ। ये यूं क्योंकि यार मैं कंगाल हो गया। सॉरी आप कंगाल हो गए? ऐसा कंगाल हो गया मैं, मेरे पास पैसे नहीं है, फंड इश्यू है बहुत बड़ा वाला। फंड इश्यू? आप 480 तो एक महीने का क्लियर करवा दीजिए आज। 500 रुपए? 500 रुपए में तो मेरे 4 दिन का खाना होता है, वो तो मैं दे दूंगा, खाऊंगा क्या फिर? विनीत जी पेमेंट भी इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ आपने पैसा इस्तेमाल किया है बैंक का, तो पैसा लौटाना तो पड़ेगा ना। खाना पीना छोड़ दो फिर? नहीं खाना पीना मत छोड़िए, लेकिन पेमेंट भी इम्पोर्टेंट है, आप ये बात भी समझिए ना। हाँ जब वो ये ना पैसे नहीं है ना मेरे पास देने के लिए। दूसरा कोई मोबाइल नंबर आपके पास है? नहीं नहीं। पेमेंट कब तक होगा फिर आपका? पेमेंट बता दिया, ये 4 महीने बाद होगा पेमेंट। इतने दिन थोड़ी बैंक आपको देगा? कोई नहीं मैं ले लूंगा, बैंक को देने की जरूरत थोड़ी, वो खुद ले लूंगा। नहीं पैसे लिए तो बैंक को लौटाने तो पड़ेंगे ना टाइम पे। पैसे नहीं है तो कहाँ से दे दूँ, किडनी बेच दो अपनी? नहीं देखिए 480 रुपए के लिए आप ये नहीं कह सकते बैंक को कि पैसे नहीं, अरेंज कीजिए यार। ऑलरेडी दी है यार, 4 दिन जो है ना मेरे खाने के 480-580 रुपए, तो वो मैं अगर तुम्हें दे दूंगा खाऊंगा क्या फिर? देखिए एट द एंड वो आपका पर्सनल इशू है, आपको अरेंज करना है, आपको पे करना है, क्योंकि तो फिर एक काम करो, इस पे आरटीपी डाल दो, इस पे आरटीपी डाल दो, डिस्पोजिशन में लिख दो कस्टमर इंटेंशनली नोट पे, ठीक है? ठीक है कुछ और बताऊं? ठीक है, कोई दूसरा मोबाइल नंबर है आपके पास? नहीं नहीं नहीं। चार्जेस होते हैं 100 से 1200 तक, उसके ऊपर 18% जीएसटी और अप्रोक्सीमेटली 2.5% to 4% प्रोरेटा डेली बेसिस पर इंटरेस्ट चार्ज हो सकता है आउटस्टैंडिंग अमाउंट के ऊपर। लेट पेमेंट का इम्पैक्ट आपके क्रेडिट स्कोर पे हो सकता है, कॉल सबको आ सकते हैं जब तक पेमेंट आता नहीं। ठीक है, समय देने के लिए शुक्रिया, आपके दिन शुभ रहे। कॉल डिस्कनेक्ट कर सकते हैं आप। वहां कॉल डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। कस्टमर इज अनेबल टू डिस्कनेक्ट दिस कॉल, आई हैव टू डिस्कनेक्ट दिस कॉल। दोस्तों आइए साथ मिलकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो रिकवरी एजेंसियां हैं, रिकवरी एजेंट हैं, या फिर यूं कहूं कि बैंक और एनबीएफसी हैं, जो हमारे अधिकारों को कुचलकर रिकवरी करते हैं, इनसे अपने अधिकार छीनते हैं, लड़ते हैं, अपने अधिकार मांगते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।